देखिए खेत जोता जा रहा है, पूरा झंगाड़ी ये साफ कर देंगे, पूरा टूटता जा रहा है। वाह, और ये गोल वाला है अभी, इसके बाद वो दूसरा वाला भी लगेगा जो नुकीला नुकीला वाला रहता है ना, वो वाला पूरा देखिए यहाँ पे सपाट कर दिए हैं ये जोत जोत के। अभी मेरे को लगता है सिर्फ ये तोड़ा जा रहा है, उसके बाद वो वाला लगाएंगे, जब एकदम वो नुकीला वाला रहता है ना जिससे मेन खेत जोता जाता है, वो वाला इसके बाद लगाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ग्रो योर चैनल। देखिए आपको अगर अपना चैनल ग्रो करना है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियोस अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर। मैं देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। और सिंपल सी बात है, आप अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करो, इसके अलावा ग्रो होने का यूट्यूब पे कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। और हर वीडियो में मैं अपनी ये बात करता हूँ कि प्लीज़ आप एक अच्छा इंसान बनो, उसके अलावा आप YouTube पे काम करते रहो। YouTube पे आपको कोई नहीं बोलता है कि यार आप अच्छे इंसान बनो, आप ऐसा काम करो वैसा काम करो, लेकिन मैं यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप अभी आपकी एज कम है, और आप कितने भी मुश्किल से हो सकता है 20 साल 21 साल 22 साल 25 साल के हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे व्यूअर हैं, तो पहले आप एक अच्छा इंसान बनो। पैसा तो हम लोग ऑलरेडी कमा ही लेंगे यार, बहुत लाइफ पड़ी है, पैसा हम सबको मिल ही जाएगा, लेकिन पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप आस्तिक बनिए, मैं यही बोलता हूँ, आस्तिक बनो, भगवान की पूजा करो, सुबह उठ के सूरज देवता को जल दो, मम्मी पापा को बढ़िया रोज़ सुबह उठ के पैर पढ़ो, या फिर सोते समय पैर पढ़ो, कभी भी पैर पढ़ो। मम्मी पापा का आशीर्वाद ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है। और माँ बाप को कई आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप को दुखी करते हैं, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए, पापा मोबाइल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मत करो, ये सारी चीज़ें काफ़ी मत करो। देखो आप काम करोगे ना, आपको मिलेगा यार, ज़रूर मिलेगा। एक अच्छा इंसान बनना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखे होगे, आप किसी ऐसे बंदे को देखे होगे जो बहुत ख़राब, देखो गुंडे उंडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 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 जिसका नेचर अच्छा होगा, जो आपके आसपास किसी भी बंदे को देख लीजिए कि उसका नेचर अच्छा होगा, जिसको देख के आप ऑलरेडी खुश हो जाते होंगे, मतलब कई ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको देख के आप दूर से ही देखोगे ना तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, खुशी हो जाएगी, तो वो लोग आपको दुखी उतने ज़्यादा नहीं देखेंगे, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। और सबसे मेन बात ना कि ऐसे लोग पैसे के पीछे तो भागते ही नहीं है, खुशी, देखो ये जीवन हमको मिला है ना, तो यहाँ पे पैसे मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ खुशी मैटर करती। अगर ये जीवन मिला है खुश रहो, हमेशा खुश रहो, आए हो खुश रहो, खुश होके चले जाओ, पैसा का क्या है यार, कम देखो कम कमाने वाला भी या ज़्यादा कमाने वाला भी वही बात है, दो ही रोटी खाता है। अगर आप करोड़ भी कमाओगे तभी भी दो रोटी खाओगे, अगर आप 10,000 भी कमाओगे तभी भी आप दो ही रोटी खाओगे, तो करोड़ कमा के क्या मतलब यार। और जितना ज़्यादा आप कमाओगे ना उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। हमको लगता है कि मोदी की लाइफ बहुत अच्छी है, तो नहीं यार, मोदी बहुत बिजी। अगर आप देखो आज आप कम पैसे कमा रहे हो, तो जितने कम आप पैसे कमा रहे हो ना उतना कम आप परेशान हो, और उतने कम आपके मतलब बाकी के पहचान भी होंगे, और उतना कम आप करोगे काम। और जितना ज़्यादा आप पैसे कमाने लगोगे ना, आप सोचोगे यार यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ, तो उतना आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे, फिर उतना ही आप परेशान हो जाओगे। तो यही बात है, जितना कम कमाओगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। और YouTube पे ग्रो करना है तो बस वीडियोस अपलोड करते रहो, पर डे की एक वीडियो या दो दिन में तीन दिन में आपको जब कभी भी अपलोड करना है अपलोड करो, और ज़्यादा परेशान मत हो, दूसरों को मत देखो कि उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं मुझको कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी वीडियोज़ कब वायरल होंगी, ऐसा कुछ भी सोचो मत, जो मन में है चुपचाप वीडियोस बनाते जाओ और अपनी ऑडियंस को बताते जाओ, सिंपल सी बात है, शॉर्ट सी बात है। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आप लोग अभी कम एज हैं, थोड़ा सा ना बायोग्राफी पढ़ना शुरू करो, बुक्स खरीदो, बुक्स पढ़ो, दूसरों की बायोग्राफी पढ़ो। देखो हर मतलब जितने भी बंदे जितने भी बंदियाँ आती हैं ना, जिनको भी जीवन मिला है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल। आज हम दूसरों को देखते हैं कि यार कितना पैसा कमा रहा है, यार बहुत पैसा कमा रहा है, जैसे आज मनोज देखो अगर हम लोग देख लें तो डिप्रेशन में चले जाती है यार कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर आप सच देखो तो उसने कहाँ से शुरू किया था, देखो सीढ़ी पे बैठ के वीडियोस बनाता था, जिसके पापा मान के चलो शायद पंचर की शॉप थी उसके पापा की, तो पंचर बनाते थे, आज देखो कितना ज़्यादा ग्रो किया, मेहनत किया उसने, हम उसके आज को देख रहे हैं, उसके कल को नहीं देख रहे हैं, तो आज आप मेहनत करो तभी तो आपको आने वाले कल में मिलेगा ना। और बायोग्राफी आप पढ़ोगे ना तो ऐसी ऐसी मिलेगी, जितने भी बड़े बड़े नाम हुए हैं वो लोग बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर आए, हम लोग को आज दिखता है लेकिन उनका कल नहीं दिखता है,
तो मेहनत करेंगे तो हमें भी मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना, ऑटोबायोग्राफी या किसी के बारे में पढ़ोगे, तो लगेगा कि हाँ यार उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल था। फिर जब आप स्ट्रगल करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे उससे। सबसे मेन चीज़ ये लगेगी यार, वो भी तो स्ट्रगल करता था, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब मैं भी ग्रो हो पाऊँगा। तो यही एक बात रहती है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर लाइफ स्मूथ चल रही तो फिर तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है ना यार। देखो जब लाइफ में जब दिक्कत आती है ना, तभी उसका समाधान भी होता है। और दिक्कत इसलिए आती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी नहीं, चीज़ें सीधी एकदम स्मूथ चलती रहेंगी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ट्रेन आ गई, पकड़ के मैं चले जाऊंगा जल्दी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। श्री सीताराम। वो जा रही है ट्रेन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।